इसको हम लोग करके देखते हैं जी, स्क्रीन एक्सक्लूजन। देखिए फर्क पड़ रहा है। जी सर, इस तरह से आप लोग ये वाले इफेक्ट सेचुरेशन उसकी चेंज कर सकते हैं, ह्यू कर सकते हैं चेंज, ह्यू दे देखे, कलर बर्न, यानी इस टाइप का आप लोग दे सकते हैं फेस। तो ये इफेक्ट्स भी इसमें मौजूद हैं। लाइटन, उसको लाइट कर दिया। कलर डॉच, डार्कन, ओवरले, स्क्रीन मल्टीप्लाई, तो इस टाइप का भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसको फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, ओवरले को मैंने ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें अप्लाई आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा, हाइट जो है, अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो पिक्चर का साइज बढ़ेगा, यानी 400 पहले थी शो हो रही। हम लोगों ने ऊपर कितना दिया था इसको, चलें इसको 550 कर देता हूँ मैं। फाइव फिफ्टी और अपडेट, इसको भी ओपन करवाते हैं। और ये भी 550 हो चुका है, ठीक है, सारे 550 पे सेट हो गए। बाकी चीज़ें आप लोग, जाहिर बात है वही स्टाइल आ गया और एडवांस आ जाता है। फिर आप लोग मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें, इन चीज़ों को सेट किया जा सकता है। सर, कंटेंट में देख लें आप लोग, यानी सेक्शन के कंटेंट में हम लोगों ने इसको फुल विड्थ रखा है। अपडेट हो चुका है तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी छोटी दिखाई दे रही थी पिक्चर, अब थोड़ी बड़ी है। यानी ये वाला साइज आमतौर पे 500 या इससे प्लस, ये आमतौर पे यूज होता है। समझ आ रही है ना बात? जी सर, जी सर, लोड हो रही है पिक्चर्स तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज है कि इसकी बैकग्राउंड पे थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि वो व्हाइट कलर वो शो कर रहा है बैकग्राउंड। अगर आप लोग देखें, इस चीज को चेक कर लेते हैं सेक्शन के अंदर, फुल वेट है और यहाँ पे हम लोग इसको भी 550 कर देते हैं। बाकी जो है जी, वर्टिकल अलाइन, ओवरफ्लो, स्ट्रेच सेक्शन, इसको मैं ऑन करके देखता हूँ। ओवरफ्लो हिडन डिफॉल्ट, चले स्टाइल में इसको बैकग्राउंड दे देते हैं जी, बैकग्राउंड कलर, और कलर में इसको फुल ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक कर देंगे तो वो इतना फील नहीं होगा, एक फ्रेम की तरह से हमें वो दिखाई देगा जो एरिया बना भी हुआ था। ठीक है ना, यानी इस तरह से किया जा सकता है। जी और सर, तो उसको व्हाइट भी रहने दे, व्हाइट भी ठीक था। खैर, उसके बाद फर्दर हम लोग देखते हैं और क्या एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास। एक मैं डिवाइडर देने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। डिवाइडर आप लोगों को बताया कि स्पेसर बेसिकली हम लोग ले रहे थे, थोड़ी स्पेस, और बल्कि स्पेस नहीं देता मैं इसको, ऐसा करते हैं कि खत्म कर। तो ये सेक्शन डिलीट हो गया, इसको भी यहां से खत्म कर देंगे। सेक्शन ही हम लोगों ने खत्म कर दिया। यहाँ पे लेते हैं जी ये थ्री,
ये फाइव वाला है, वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा चलें, ये हम लोग ऐसा करते हैं, चलें ये फाइव सेक्शंस वाला मैं अप्लाई करवा रहा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक, डुप्लीकेट इसको मैं करवा रहा हूँ, सिक्स छः सेक्शंस हो चुके हैं, और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो ये सेवन हो चुके हैं। तो इधर से हम लोगों ने थोड़ी स्पेस कम करनी है। ये आ गया जनाब 11%, 10 पे ले आते हैं इसको पूरे। इसी तरह राइट वाला आप लोगों ने फिफ्टीन पे था टोटल, इसको 12.5 पे ले जाता हूं। बाकी इधर से सेटिंग कर लेंगे, यहां से 10 पे ले आ रहे हैं। इसको पकड़ के ट्वेल्व अच्छा ये जो बीच वाले सेक्शन है इनको हम लोगों ने छोड़ देना है, इसको थोड़ा आसान है। और ये हम लोगों ने इसको यानी इक्वल साइज ये तीनों बना लिए। साइज आप लोग वैसे भी सेट कर सकते हैं इनके, इनको एडिट करवा के एडिट कर लो तो साइज जो है वो आप लोग दे सकते हैं। एडिट कॉलम अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे देखें ये 18 इसकी परसेंट में 18 दी हुई है। अगर इसको हम लोग चेक करते हैं एडिट कॉलम, इसको भी हमें 18 ही करना पड़ेगा, 18 इसको कर लेते हैं, बाकी को इक्वल कर लेते हैं, फिर इसको भी एडिट, ये 20 है। इट मींस के इसको हम लोग 20-20 के सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसको भी मैं 20 का करवा रहा हूँ और ये भी 20। अब इनको चेक कर लेते हैं ये कितने, 9.8 इसको 10, ये 8 है इसको भी 10, ये 11 है इसको 10, और ये 10.6 है इसको भी 10। ये थोड़ा छोटा हो गया सेक्शन, 18 ये 19 है और ये 21 हो गया है। इट मीन्स के इसको पूरा 20 का करेंगे इधर से, ये 10। अब इक्वल हैं जी। अच्छा इसमें हम लोगों ने कोई कंटेंट जो है उसको यहाँ पे रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। एक तो हम लोग
यहाँ पे हेडिंग लगते हैं, फर्स्ट लाइन दे देते हैं जी, फैसिलिटीज इसको सेंट्रल लाइन, और इधर हम लोग दे देते हैं हेडिंग, सेंटर लाइन इसको और अपडेट। अच्छा, मजीद चीजें हम लोगों ने ऐड करवानी है इसमें, यहाँ से आइकन्स वगैरह भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे कोई चीजें देख लेते हैं फर्दर। एनिमेटेड टेक्स्ट, फ्लिप बॉक्स, चले ये फ्लिप बॉक्स बल्कि इसके अंदर मैं इंसर्ट करवा, इस तरह से ये फ्लिप बॉक्स जो है वर्क करता है। इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ऊपर ये लगा होता है, इस तरह से ये वाला हम लोग वैसे खत्म कर देते हैं इसको। राइट क्लिक एंड डिलीट, तो नीचे भी हम लोग फ्लिप बॉक्स ही लगा देते हैं। फ्लिप बॉक्स जो है ये प्रो वर्जन का है, पता है? जी सर। इसको हम करवा लेते हैं, इसको भी मैं डिलीट करवा लेता हूँ। अच्छा, ये चीजें आ गई अब हमारे पास, इनको हम लोगों ने एडिट करवा सकते हैं। फिलहाल ये करना है कि एडिट सेक्शन पे जाना है, और इसमें एडवांस पे जाके टॉप से हम लोगों ने मार्जिन इसका कम करते जाना है। ये मैं कम करवा रहा हूं, मूव करना चाहिए सेक्शन। सर अभी स्क्रीन क्लियर शो नहीं हो रही मेरी स्क्रीन। हाँ जी जी सर, ब्लर है। मैं देख रही हूँ, मैं भी यही समझ रही थी सर कि मेरा नेट इशू चल रहा है। अभी मैंने चेक की स्पीड तो वो तो 6 MB/s है। फिर मैंने देखें अब क्या सिचुएशन। अभी भी वही है? हाँ जी सर, वैसे ही है। काफी देर से ऐसे ही मुझे लग रहा था मेरा नेट चल रहा है। मैं भी सर यही समझा रहा, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है मेरी तरफ। चले मैं रीकनेक्ट करवा देता हूँ जी। हाँ जी रीकनेक्ट कर लीजिए सर। आप देखें। हाँ जी सर, अब ठीक है सर। अब ठीक है सर, ठीक है। आप सर पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग Z इंडेक्स।
इससे मैंने इसको सेट किया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर नहीं है ना, शो कर रहा था, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। एडवांस में जाना है, इसका जी इंडेक्स की वैल्यू दे देनी है, ये 2 ये 3 मैंने दे दी है, तो ये ऊपर तक आ गई है वैल्यू। समझ आ रही है ना बात? यानी हम सेक्शन उसको जी सर करने के लिए कि ऊपर शो हो, हमने जी इंडेक्स देना है इसका एडवांस। तो यहाँ पे है जी जी इंडेक्स, इसकी भी वैल्यू बढ़ाएंगे बल्कि 4 और 5, इसको भी हम लोग यही कर देते हैं, 5 तक मैं दे देता हूँ वैल्यू। अच्छा, इनको इनके कलर्स वगैरह चेंज किए जा सकते हैं, मजीद साइज वगैरह भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कलर्स को चेंज किया जा सकता है। क्लिक करेंगे तो आप लोग स्टाइल में जाके स्टाइलिस का कंटेंट चेंज किया जा सकता है। ये देखें जो स्टार लगा हुआ है, आइकन लगा है, वो चेंज कर सकते हैं। जो ग्राफिक एलिमेंट है वो ये लगाया उसने, पिक्चर भी लग सकती है, इमेज नन भी है, यानी अगर आप कुछ नहीं लगाना चाह रहे। फिर डिस्क्रिप्शन है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल जो है हम लोग यहाँ पे चले कर देते हैं रूम सर्विस, और इसको चेंज करवाते हैं कंटेंट। यहाँ पे इसको हेडिंग दे देते हैं बुफे, और इसको भी हम लोग चेंज करके यहाँ पे लेट्स सपोज इसको दे देते हैं जी 3 डॉट्स स्टार में आ रहे हैं। ये बेसिकली स्लाइड्स के आ रहे हैं, स्लाइड जो है ना 3 स्लाइड्स हैं, वो उसके डॉट्स शो कर रहे हैं। स्लाइड चेंज हो रही है ना, या तो सिंगल पेज हो, अब सिंगल पेज लगा दे, स्लाइडर ना लगाए ऊपर। ये मैंने तरीकाकार बताया कि ये चीजें इस तरह से, यानी आप फ्लिप बॉक्स भी लगा सकते हैं, वैसे भी सेक्शन को ऊपर आप एक सिंगल उसको यानी कलर दें, उसको ऊपर की तरफ मूव करवा दें बस ऐसे। समझ आ रही है ना बात? ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। इसको रिफ्रेश किया तो ये इस तरह से शो हो रहे हैं, यानी हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। बैकग्राउंड आप लोग चेंज करवा सकते हैं। सर स्क्रीन फिर से ब्लर हो गई है, फिर प्रॉब्लम हो रही। हाँ जी सर, जी सर। अब देखें, अब ठीक है सर। दैट्स गुड। इसको थोड़ा सा मूव करवाते हैं। ये भी 5, और यहां से 25 था इसको 22.5। अब क्लियर नजर आ रही है वैसे बेटे स्क्रीन? हाँ जी सर, जी सर। ठीक है,
चाहिए, 25-25 का हम लोगों ने इसको कर लिया, तो अब थोड़े बेहतर विजुअली यानी स्पेस हम लोगों ने बढ़ा दी है, इनके जो वेट है वो थोड़ी ज्यादा हो गई, ज्यादा बेहतर लगेंगे। ठीक है। हाँ जी सर। सर फिर से स्क्रीन ब्लर हो गई है। अच्छा, ये जैसे ही स्लाइडिंग होती है तो मेरा ख्याल फिर इस वजह से होती है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इधर देखें आप, सही आ रही है नजर? नो सर, फिर वैसी है। मैं ना रीज्वाइन करवाता हूँ, मैं लीव करवा रहा हूँ, रीज्वाइन करो। ओके सर। सर मुझे तो सही शो हो रही है। सर चलेंगे। और भी किसी को सही शो हो रही है? सॉरी चले गए। बड़े खामोश हो यार। अब ठीक है सर, अब देखें बेटा। हाँ जी सर, अब ठीक है। ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। देखें वो ऊपर गया है सेक्शन, तो इसको हमने हमने इसको बॉटम से मार्जिन देना है। अगर हम जी इंडेक्स नीचे गए माइनस में करें। हाँ, जी इंडेक्स। नहीं, जी इंडेक्स माइनस नहीं होता, हमें बॉटम पे इसको लाना पड़ेगा। सॉरी सर, जस्ट बॉटम से देना। हाँ जी, वही देना जाओ। हाँ जी। लेट कौन सा हो गया? सब जो न्यू बनाया है वो चला गया। दोबारा से सेशन क्रिएट कर। सर वो फिल सर फ्लिपर्स के नीचे आ गए। हाँ जी सर, नीचे है वो, उधर से एडिट कॉलम कर। नहीं, ये तो दूसरा आ गया। सर कंट्रोल जी से कट नहीं होता। अच्छा चलें, इसको हम लोग कंट्रोल जी किया बनाए। ये हो गया। अब इसको हम लोग दोबारा से क्रिएट करवाते हैं सेक्शन। एडिट चले, इसको एडवांस और टॉप से करके देखते हैं माइनस। ठीक है जी, तो यहां पे ये आ चुका है जी सर। इधर हम लोग इसको दे देते हैं
स्पेसर और 50 की स्पेस है इसको मैं 40 दे रहा हूँ, 40 वैल्यू दे देते हैं अपडेट, दैट्स इट। उसके बाद अगला सेक्शन है, ये ऐड करवा दिया हम लोगों ने, अब सही नजर आ रहा है? जी सर। यहाँ पे प्रो में मुझे देखिएगा पोस्टें, पोस्ट वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो होता है, गैलरी बड़ी जबरदस्त है इनकी, फॉर्म अप्लाई की जा सकती है, लॉगिन हम लोग बना चुके हैं, ये लॉगिन वाला बना बनाया हमें देगा, स्लाइड्स को भी अप्लाई किया है, नेविगेशन मेन्यू आप लोग अप्लाई करवा सकते हैं, एनिमेटेड टेक्स्ट है, ये भी ई कॉमर्स के हैं, प्राइस लिस्ट, प्राइस टेबल, फ्लिप बॉक्स भी अभी हम लोगों ने लगा दिया है, कॉल टू एक्शन आप लोग लगा सकते हैं, मीडिया कैरोजल है, टेस्टिमोनियल कैरोजल है, टेस्टिमोनियल पता है ना, यानी प्रीवियस लोगों का जो आप लोगों के बारे में रिव्यूज हैं, जिनके लिए आप लोग काम कर चुके हैं, तो उनके जो भी रिव्यूज हैं किसी के, जिनको आप सर्विसेज दे चुके हैं, उनका आप लोग टेस्टिमोनियल लगाते हैं, समझ आ रही है ना। तो इसके अलावा रिव्यू किसी का भी दिया जा सकता है, टेबल ऑफ कंटेंट है, काउंटडाउन है, आप लोग टाइम यानी टाइमर लगा देते हैं, होता है ना सेल लगी होती है कि इतने दिन रह गए हैं, इतने आवर्स रह गए हैं वगैरह वगैरह, तो काउंटडाउन जो है उस लगाया जा सकता है, और इसी तरह ये चीजें हैं। अच्छा, मीडिया कैरोसेल मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे उसने 5 चीजें दी हुई हैं और ये 5 स्लाइड्स हैं, मूव करेंगी, यहाँ पे उसने इफेक्ट स्लाइड दिया, यानी इस तरह से ये मुख्तलिफ हमारी ये भी पिक्चर्स ही होती हैं जो के मूव करती हैं। यहाँ पे स्लाइड पर व्यू डिफॉल्ट उसने दिया हुआ है, तो कितना यानी वो शो करे स्लाइड पर व्यू, यहाँ पे अगर हम 5 कर देते तो 5 की 5 यहाँ पे शो करेगा, फॉलो, यानी 5 आइटम्स हैं, तो 5 लोग ऐड आइटम्स भी कर सकते हैं इस तरह से। ये नीचे देखें वही डॉट्स इधर भी हमें शो हो रहे हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ पिक्चर्स को लोड करते हैं यहाँ पे आइटम्स के अंदर, हम लोग इसको इमेज के तौर पे लगा देंगे, उसको लिंक लगाया जा सकता है, फिर यहाँ से इसको कॉपी किया जा सकता है फर्दर, ये 6 हो गए, ठीक है, यानी कॉपी करना है तो इधर से आप लोग क्लिक करेंगे कॉपी हो जाता है। अभी हम कुछ लेते हैं, फर्ज करें कुछ जो ब्रांड्स हैं उनके नाम बता दें, ब्रांड्स के नाम, इंटरनेशनल ब्रांड्स, खुशी का मैं एक तो ब्रांड ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको इमेजेस, ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं सेव इमेजेस, इसका नाम ही डेस्कटॉप पे वो कर रहा है नहीं, इसको डाउनलोड्स में ही रखो, और इसका नाम रख दो, अच्छा इसको हम लोग बल्कि ऐसा करते हैं कि इमेजेस में ही स्टोर करवा लेते हैं, प्रैक्टिस फॉर नोन इमेजेस सेव। अच्छा जी, इसी तरह आप लोग बता सकते हो और कौन सा ब्रांड, सर सैमसंग, कोका कोला का भी है, यानी जो फैशन से रेलिवेंट है, ओके सर, लाइमलाइट, यहाँ पे सारे आ गए, ये फिला, एडिडास वगैरह, डायर, ठीक है, अब सर्च कर लेते हैं हम लोग, ये प्राडा, और यहाँ से ले लेते हैं पिक्चर्स, ये गुशी हो गया, वर्साची, ये इनका है जी लोगो,
इसको सेव इमेज एज, यानी हम लोग इन बल्कि ये होटल्स का हमारा होना चाहिए, हमें ब्रांड देने की क्या जरूरत है, क्या ख्याल है? चूंकि हम होटल्स का थोड़ा चले बारह कैमरे बनाना, मैं आप आइडिया दे देता हूँ फिलहाल, यही अब हम लगे हुए तो ये डायल का लोगो। और है जी सीके वगैरह आ गया, चले और डीएनजी आ गया, डोलिशे एंड गाबाना, डिज्नी है, माइकल और ये कौन सा है, सर एडिडास है, एडिडास है, यस सर, नाइक भी है, पांच हो गए हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या करना है जनाब, अपलोड फाइल, डेस्कटॉप, यहाँ पे ई रोजगार और प्रैक्टिस फॉर नून इमेजेस, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जी। उसके बाद है अगली आइटम पिक्चर, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, डिज्नी, इंसर्ट मीडिया, आइटम थ्री, सर एक दो सारी फाइल्स अपलोड करके वन बाय वन सेलेक्ट नहीं हो सकती? हो सकती, असल में वहां भी बिखरी पड़ी तो इस वजह से।
इनकी हाइट वगैरह सेट की जा सकती है। असल में पिक्चर्स का वो हमें विड्थ वगैरह हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो फिर ये देख रहे हैं यहाँ से तो कर लेंगे, पिक्चर जो है आप लोगों ने जब उसको एडिट करके फिर यहाँ पे लगाना है ताकि वो प्रॉपरली यहाँ पे मूव करो कर सकते हैं। जी सर। थ्री करवा के देखते हैं ताकि बड़ी वो पिक्चर्स है। ये बाकी ठीक है, इसका थोड़ा सा वर्साचे का आ रहा है। जी सर, इसके साथ वो लोगो भी है ना, और कोई देख लेते हैं। Nine West DKNY ये नीचे है। जी सर। ठीक है, क्लियरली आ रहा है ना? हाँ जी सर, आ रहा है। जी सर, आ रहा है। इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं चूंकि सारा वाइट है, बल्कि वाइट अच्छा लगता है। इसके दरमियान में कोई और सेक्शन भी लोग दे देते हैं या ऊपर हेडिंग दी जा सकती है, उससे खूबसूरती आ जाएगी। जी सर, वाइट ही सही है। हाँ, हम यहाँ पे दे देते हैं जी हेडिंग। ब्लैक कर देते हैं, टाइपोग्राफी चेंज कर देते हैं, इसकी साइज सर, एक लोबेस्टर है उसे सर्च कर ले। वो अच्छा। कौन सा? लोबेस्टर, LOBSTER। लोबेस्टर। ये भी अच्छा है। जी सर। एडिट कॉलम इसको माइनस आप लोग ये ग्रेश दे सकते हैं, यहां से इसको मजीद लाइट किया जा सकता है।
ताकि चीज़ें जो हैं वो सामने नजर आए। ठीक है, अपडेट जी सर। सर ये जो हमने ऊपर थ्री कॉलम्स लगाए हैं ये मूव क्यों नहीं कर रहे? कौन से? ये जो ऊपर थ्री कॉलम्स लगाए हैं ये रूम सर्विसेज वाला, ये पहले मूव नहीं कर रहे थे? अब कर रहे हैं। नहीं पहले स्टिल थे? नहीं वो फ्लिप होते हैं जब हम लोग माउस ओवर करते हैं, माउस ओवर के ऊपर वो फ्लिप करते हैं। ओके ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक हम लोगों ने इसका पे वर्क कर लिया, मजीद हम लोग देखते हैं एड टेम्पलेट। अच्छा मजीद जो है आप लोग ये देख लिया ना आप लोगों ने कौन कौन से हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, यानी प्रो में हमें क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पे मैं डिवाइडर दे देता हूँ और डिवाइडर सॉलिड उसने दिया, सॉलिड की बजाय इसको डॉटेड और विड्थ स्टाइल विड्थ कम कर देते हैं, इसको 80 करवा रहा हूं मैं। सेंटर लाइन इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2, चले इनाफ है 2। और गैप जो है वो 15 का है, थोड़ा सा अगर गैप ज्यादा देना तो वो दे सकते हैं 15। ठीक है अपडेट। इसके अलावा प्रो में गैलरी है और गैलरी भी बड़ी जबरदस्त है इनकी, प्रो वर्जन है ज़ाहिर बात है। तो नो इमेज सिलेक्टेड अभी वो कह रहा है, तो इमेजेस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसके लिए गैलरी के लिए। अब अपलोड फाइल्स यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ये वाली 1 2 3 4 5 6 गैलरी की पिक्चर्स 1 3 4 5 ये तकरीबन साइज मिलते हैं, कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू गैलरी, इंसर्ट गैलरी, ये देखे इफेक्ट देखे मेरा माउस ओवर के ऊपर, ना सिर्फ इफेक्ट है बल्कि आप लोग एक एक आइटम को लगा सकते हैं, क्या कहते हैं लिंक लगा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सर अभी ये प्लगइन किया था उसमें मूवेबल गैलरी थी, वो कौन सा प्लगइन था? कौन सा? हमने एक प्लगइन किया था उसमें मूवेबल गैलरी थी, पता नहीं कौन था, फ्री में था वो। अच्छा अच्छा, ये लेआउट जो है ग्रेड है, जस्टिफाइड भी आप लोग दे सकते हैं इसको लाइक दिस मेंस, ये मैसोनरी इस तरह से आएगा, ग्रेड में हम लोग देते हैं इसको, ग्रेड अच्छा लगता है और एक जैसी तकरीबन उसने पिक्चर्स दी हैं। मजीद हम लोग यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं ऐड टू गैलरी, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे ये पड़ी थी एक और, चले एंड्रॉयड हम लोग ले लेते ऐड टू गैलरी, एक और कर लेते हैं वो, ये टू वाली पे चले ले लेते ऐड टू गैलरी, इंसर्ट गैलरी। देखिए इसने ऑटोमेटिकली खुद से एडजस्ट कर दिए तमाम इमेजेस, हमें उनको रिसाइज करने की जरूरत नहीं है, सही है। एक और इमेज देंगे तो ज्यादा लुक अच्छी आएगी। बाकी इसकी स्पेसिंग है,
ये इन बिटवीन आइटम्स के दरमियान स्पेसिंग 10 दी हुई है, अगर आप लोग ज्यादा इसको करते हैं तो इस तरह से शो होगा, तो 10 अच्छी दिख रही है। लिंक लगाएंगे मीडिया फाइल को। एस्पेक्ट रेशो दी हुई है, एस्पेक्ट रेशो होती है, एस्पेक्ट रेशो का पता है आप लोगों को? नो सर। 3 और 2 की इन्होंने 3 और ये देखिएगा 4 और 3 के अगर रेशो देते हैं तो इस तरह से आएगा। 1-1 की देते हैं तो ये स्केल बना देगा, यानी दोनों तरफ से, यानी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी रेशो इस तरह से है। ठीक है? हाँ जी सर। और 9-16 की इस तरह से, यानी आप लोग जिस तरह की भी गैलरी बनाना चाहें ये आपको फैसिलिटेट करेगा। मीडियम दिया हुआ है सर, मतलब एस्पेक्ट रेशियो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इनकी लेंथ है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। तो अच्छा जनाब ये हो गया। ऑर्डर बाय डिफॉल्ट है, रैंडम दे सकते हैं, यानी हर दफा रैंडमली उनको वो शो करेगा ये इस तरह से। ठीक है, जब भी वेबसाइट ओपन होगी रैंडमली आएंगी। एक और आइटम हम लोग दे देते हैं ताकि गैलरी पूरी यहाँ पे आ सके। ऐड टू गैलरी, अपलोड फाइल्स, स्टेट फाइल्स। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर वाला आदमी बैठा हुआ है। एक और तो बाकी चले इसी को दे देते हैं। हालांकि बहुत बड़ी पिक्चर है तो उसने उसको मतलब साइज बना के इधर हम लोग एक और चीज ऐड करवा देते हैं, हेडिंग। और इसको भी ब्लैक और टाइपोग्राफी साइज इसका चेंज करके इसको दे देते हैं। चलिए 45। अपडेट अच्छा, अब जो करना है फिलहाल, क्योंकि ये पेज तो काफी सारा बन चुका है, तो हम लोग एक मैं प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। प्लगइन्स के अंदर जाके मेरे पास बेसिकली ऐड न्यू करेंगे, प्लगइन जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। रीजन ये है कि अगर यहाँ से सर्च करते हैं तो उसका लेटेस्ट वर्जन है और उससे प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है। प्रॉब्लम यानी हम लोगों ने माइग्रेट करवानी है, तो मेरे पास पिछला उसका वर्जन पड़ा है, डाउनलोड मैं करवा रहा हूँ। ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन 6.68 वर्जन है मेरे पास। अब उसका 7. समथिंग कुछ आ रहा है, उसमें वो चेंजेस नहीं करने दे रहा है। तो चले मैं इसको बल्कि रहने देता हूँ, पहले आपको यहाँ से ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन। ये जो प्लगइन है ये बेसिकली वेबसाइट को जब आप लोगों ने माइग्रेट करवाना है लोकल होस्ट से अपने वेब होस्ट में, तो आपने वहाँ पे यूज करना है जी। ये देखिए आ चुका है, इसको इंस्टॉल करवाते हैं। इसका नाम नोट कर लें सभी, ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन। इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिव करवाएंगे।
एक्टिवेट हो चुका है जी। नीचे यहाँ पे आए तो हमने फाइल को करना है, तमाम फाइल्स को हमने करना है एक्सपोर्ट। समझ आ रही बात? एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट टू एक फाइल बना दो इसकी। सुन रहे बेटे सभी? जी सर सुन रहे हैं। ये पूरा जितना हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है ना, अभी इसको यहाँ पे भी रिफ्रेश करवा देते हैं। ये मैं बंद करने जा रहा हूँ। एलिमेंटर मैंने बंद कर दिया है। ये हमारी गैलरी भी आ चुकी है और ये सारी जितनी वेबसाइट अभी तक बनी है, ये सारी की सारी, इसको यहाँ से मैं बंद करवा रहा हूँ। अब एक्सपोर्ट हो रही है इंक्लूडिंग डेटाबेस। 60 MB की ये बनी है टोटल, ठीक है। इसमें हमारा प्रो वर्जन भी शामिल है और सारा कुछ शामिल है। क्लोज। अब ये मिलेगी कहाँ पे? यानी एक्सपोर्ट कर दी, कहाँ पे मिलेगी? बैकअप्स में मिलेगी, इसी के बैकअप्स में। तो वो कह रहा क्रिएट बैकअप, 59.62 का है इसमें पड़ा हुआ, क्रिएट बैकअप। तो ये बैकअप फाइल हमें बना के देगा जी। जैसे बैकअप आ जाएगा हमारे पास डाउनलोड, वो कहता है जी लोकल होस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइल किस शक्ल में अब हमारे पास डाउनलोड होने जा रही है। ये डाउनलोड के फोल्डर में चली गई है फाइल। समझ आ गई है ना बात 60 MB की? जी सर। वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं डाउनलोड्स। तो हमारी फाइल है जी डॉट वर्डप्रेस है उसकी एक्सटेंशन। यहाँ पे डाउनलोड कम्प्लीट नहीं हुआ। हाँ अभी शायद डाउनलोड कम्प्लीट हुआ, यही मुझे जी सर। यहाँ से भी जा सकते हैं, हो गया कम्प्लीटेड है, यहाँ पे ही ओपन करेंगे। ये है जी लोकल होस्ट एलिमेंटर प्रो, ये प्रोजेक्ट है हमारा, और ये है वर्ड डब्ल्यू प्रेस फाइल, ठीक। ये आ चुकी है जी सर। समझ आ गई सभी? हाँ जी सर। जी सर। अब हम इसको ग्लोबली कैसे रखना है? ग्लोबली रखना है। अब मैं ये लोकल इसको बंद करवा रहा हूँ, ये देख ले, इसको मैंने बंद कर दिया ब्राउजर। कल मैंने वेब होस्ट एक परचेज की थी, मैंने बताया था कल काफी देर खपता था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम थी, यानी यहाँ का सर्च करने की कोशिश की, तो वो जो ये दे रहे होते हैं ना, यानी मैं सारी ये तफसील आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम भी कम है। तो जो कह रहे होते हैं रायती, हम लोग राय दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, वो ज़्यादातर झूठ होता है, या तो झूठ नहीं होता तो वो कहते हैं 3-4 साल के लिए दें, आप लोग परचेज करें फिर ये रेट हो। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। खैर मैंने computerpreceptor.com मेरी है, ये रात को मैंने आप लोगों की नहीं थी वो ई बाज़ार, उसको अपलोड करके यहाँ पे देखा था। ये देखिए computerpreceptor.com, ये आप लोगों के लिए बनाई थी ना, याद है? जी सर। अच्छा अब ये है जी ग्लोबल, ये मैंने GoDaddy से ली है। GoDaddy जो उनकी वेबसाइट मैं ओपन करवा रहा हूँ, मेरे पास इनकी दो आइटम्स हैं, साइन इन मैं करवा लेता हूँ। तो साइन इन कर दिया उसने मुझे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं मेरी, माय प्रोडक्ट्स, तो ये सारी नीचे आ चुकी है। ये डोमेन है computerpreceptor.com, वो काफी सारे ड्रामा करते हैं कि आपको ऐसे खासतौर पे जो देते हैं जी डोमेन फ्री मिलेगी, तो वो नहीं मिलती, यहाँ भी झूठ होता है।
तो लेकिन ये जो बाहर वाले हैं गो डैडी हो गया या कुछ हॉस्टिंगर है या कुछ, ये अच्छी हैं यानी ये देते हैं वैसे साथ। लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, डोमेन में मैंने अलहदा परचेज की और होस्टिंग अलहदा ली भी। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये वेब होस्टिंग है, इसी तरह ये गो डैडी पे आप लोग जाएंगे, अपना अकाउंट आपका बनेगा, जो चीजें परचेज की होंगी, ये मेरा अकाउंट है, जैसे नाम ऊपर आ रहा तो जो चीजें मैं शॉप कर चुका हूँ वो सारी आएंगी, और सारा कुछ ईमेल भी। तो ये वेब होस्टिंग है, यहाँ पे मैंने करना है इसको मैनेज, कंट्रोल पैनल, सी पैनल होता है कंट्रोल पैनल इसका। तो ये इकोनॉमी मैंने पैकेज लिया है, लिनक्स का है होस्टिंग, मैनेज इसको करते हैं। मैं पिछली जो वेबसाइट पड़ी हुई है इसको पहले खत्म करूंगा। अच्छा, ये डैशबोर्ड आ गया, पीएचपी माई एडमिन आ रहा है, फाइल मैनेजर आ रहा है, एफटीपी मैनेजर है, और गो डैडी एनालिटिक्स है। समझ आ रही, इतनी सारी चीजें ये दे रहे हैं। तो इधर जो है ये देखिए, पीएचपी माई एडमिन में आप लोग जाके अपनी जो वेब होस्ट है उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये मेरी डेटाबेस है जो उसने क्रिएट की है, यहाँ पे WP2 उसने क्रिएट किया था, ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा पहले से मौजूद है, ये उसने क्रिएट किया जो मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है इस पे। समझ आ रही बात, मैं अभी सारा आप लोगों को ये समझाता हूँ कि कैसे होना है। यहां से हम लोग वापस चले जाते हैं, यानी पीएचपी माय एडमिन से मैं वापस चला गया हूँ, डेटाबेस वैसे दिखाई है ना उसने। जी सर, जी सर, जी सर, बस सही। यहाँ पे सी पैनल एडमिन है, ये मैंने ओपन करवा लेना है, सी पैनल यानी कंट्रोल पैनल एडमिन, ये है जी सारा कुछ कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। आप जो भी वेब होस्टिंग लेंगे उसका सी पैनल या कंट्रोल पैनल होगा, इसमें फाइल्स हैं, फाइल मैनेजर आप लोग यूज कर सकते हैं, डिस्क यूजेज कितनी है, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे डिस्क के मुतालिक, फाइल से मुतालिक यहाँ पे आएगा। फिर डेटाबेसेस जो इस्तेमाल हो रही, इधर से भी पीएचपी माई एडमिन ओपन कर सकते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस है, विजर्ड है उसका, रिमोट माई एसक्यूएल है, यानी डेटाबेस के तौर पे सारा कुछ माई एसक्यूएल को ही ये यूज कर रहे हैं। डोमेन्स, यहाँ पे हम अपनी डोमेन्स को हैंडल करते हैं, मैं सब डोमेन्स भी बना सकता हूँ। सब डोमेन पता है ना, जैसे गूगल वाले बनाते हैं मेल डॉट गूगल डॉट कॉम या ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम, यानी है गूगल डॉट कॉम, उसी के ऊपर वो सब डोमेन्स भी उसी पे बना रहे हैं। तो ये कई सब डोमेन्स बनाने की सहूलत देते हैं, यानी मेरा है ना अगर कंप्यूटर प्रिसेप्टर, तो मैं फर्ज करें कोई यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ कि ब्लॉग, ब्लॉग में एक लहदा से एक नई वेबसाइट बना लेता हूँ, यानी एक तो ये मेरी चाह रही है, एक इसके अलावा मैं बना लेता हूँ, यानी ब्लॉग डॉट वेब हो कंप्यूटर प्रिसेप्टर डॉट कॉम। समझ आ रही बात, जी सर, अच्छा। फिर मैट्रिक्सेस हैं यहाँ पे, यानी कितने जो हैं वो विजिटर आपके आए हैं वेबसाइट के ऊपर, ये सारा एनालिटिक्स देता है, बैंडविड्थ कितनी और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर ये इम्पोर्टेंट है जी, सॉफ्टवेयर में देखें कौन कौन से सॉफ्टवेयर ये हमें दे रहे हैं, इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन इंस्टॉलर है, ऑप्टिमाइजर वेबसाइट सेटअप रूबी एप्लीकेशन है, ये पियर पैकेज है पीएचपी का, सेलेक्ट पीएचपी वर्जन जो भी आपने करना है, पीएचपी 8 को ये सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल। सिक्योरिटी आ जाती है, यानी इसमें SSL भी आता है, SSH भी एक्सेस आप लोग कर सकते हैं, ये सारा कुछ ये देखें वही SSL और TLS याद है आप लोगों को, तो ये चीजें आ जाती हैं। ईमेल, ईमेल के ना सिर्फ मैं अपना अकाउंट
बना सकता हूँ, बल्कि ये काफी सारे 100+ देते हैं। मैंने इसमें मेरा ख्याल है कि दो बनाए थे, यस दो बनाए हैं मैंने अभी तक ईमेल अकाउंट आउट ऑफ 100। तो आप लोग उनको असाइन भी कर सकते हैं कि कितनी मेमोरी आपने उसको, कौन से ईमेल अकाउंट को कितनी मेमोरी असाइन करनी है, कि वो कितना यूज कर सकता है। तो सारा कुछ ईमेल अकाउंट से होता है। उसके बाद वेब एप्लीकेशंस हैं, ये वेब एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे माई ब्लॉग जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वर्डप्रेस, ब्लॉग, जूमला, डोरपर, मैजेंटो, यू फॉलो, ये वही है ना। यानी इनके हम लोगों ने कम से कम नाम पढ़े थे कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये देखे CMS, ई कॉमर्स बनानी है तो मैजेंटो पे वो कहता बनाओ, जूमला पे बना सकते, पोर्टल बना लो, पोर्टल बनाना है तो जूमला पे बनाओ, और ब्लॉग बनाना है तो वर्डप्रेस पे बना लो। यानी सारे स्पेशलिस्ट है, लेकिन हम लोग जब एलिमेंटर वगैरह का यूज करते हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर हम लोग हर काम ही कर सकते हैं। मैं पहले इसको खत्म करने जा रहा हूँ। ये माई एप्लीकेशंस कितनी है, एक है, मैं कई वेबसाइट्स इसके ऊपर बना सकता हूँ जी। यानी मेरे पास डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, वेब होस्टिंग यही यूज करते हुए मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकता हूँ, ये फैसिलिटी है। व्यू मोर करेंगे, ये मेरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। ये देखें कि एड्रेस उसने शो किया है, ये WP एडमिन शो कर दिया है, और ये सपोर्ट है इसकी, तो इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये सारा कुछ दिया हुआ है, अनइंस्टॉल पूछ रहा है, दिस टूल रिक्वायर्ड सिलेक्शन, ओके। तो सिलेक्शन जो है हम लोग कर लेते हैं, कहाँ पे दिया है इसने, ये बॉक्स दिया हुआ है, ये सारा कुछ अनइंस्टॉल, ठीक है। एक दफा फिर पूछ रहा है तो अनइंस्टॉल कर, अनइंस्टॉलिंग कर रहा है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा बताऊं कि किस तरह से आप लोग वर्डप्रेस नए सिरे से करते हैं और किस तरह से आप लोग वेबसाइट बनाते हैं। ये जो है अनइंस्टॉल चुका है, वापस जाएंगे हम यहाँ पे, देखिए अब कोई नहीं है कोई एप्लीकेशन। अब दोबारा से इसको मैं रिफ्रेश करवाता हूँ, क्योंकि हमने क्या कह रहा है, क्यों कर दी उसने वेबसाइट, हमने ये करना है कि यहाँ पे अब हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस आ गया, बहुत सिंपल है, हमने सिर्फ क्लिक किया इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। आप लोगों ने पूछ रहा है डोमेन कौन सी यूज करनी है, आपके सारे जो रजिस्टर्ड डोमेन्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये डोमेन आ चुकी है जिसके ऊपर मैंने इसको इंस्टॉल करना है। डायरेक्टरी नेम जो है ये ऑप्शनल है, आप WP वगैरह रख सकते हैं डायरेक्टरी, लेकिन इसको बेहतर ये है कि ना रखें, आप कोई नाम ना रखें। वर्जन इसका 5.7.2 है, रिकमेंडेड उसने जो दिया है। लैंग्वेज ये है, ये सारा कुछ आप लोगों ने जो सेटिंग है इसको इसी तरह से रहने देना, इसको पढ़ लीजिएगा। ये प्लगइन्स वगैरह अपडेशन के बारे में है, तो ये सारा कुछ, ये देखो ना प्लगइन है तो वो कहता है डू नॉट ऑटोमेटिकली अपडेट वर्डप्रेस प्लगइन, यानी जो मेरा प्लगइन है, अब बिलफर्ज मैंने जो प्लगइन मेरे पास है एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है, उसके बाद में भी प्रो वर्जन आ चुके हैं जो मेरे पास है, मैंने तो वही यूज करना है, तो मैं नहीं चाहता कि ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करे, अगर करेगा वो पैसे मांगना शुरू कर देगा। समझ आ रही है ना बात, कुछ चीजें जो है हमने ऐसे रखनी है, तो इस टाइप की ये जो सेटिंग की हुई है वो बेहतरीन सेटिंग है। अच्छा, यहाँ पे उसने दिया है जी एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम, और वो कहता है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, उसने खुद से जनरेट किया है यूजर नेम। अब मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम दे देता हूँ, अपना नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक। आपने अपने क्लाइंट का नेम दे देना है जो भी होगा। यहाँ पे एक आपने पावरफुल जो है वो देना है,
क्या कहते हैं पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड देने जा रहा हूँ जी। वो कहता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो आप लोग जनरेट भी करवा सकते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल उसने ये वाली दी है, आप लोग चूँकि हम लोगों ने इसको बना ली है ईमेल, तो वही वाली देंगे। तो जो मैंने बनाई है admin@computerpreceptor.com, ठीक हो गया, वो चेंज करके ये दे देंगे। तो मैंने एडमिन की के नाम से बनाई है। अच्छा, इसके बाद है जी, वेबसाइट का टाइटल पूछ रहा है, माई ब्लॉग आपने ऐसे रहने देना। टैगलाइन है वो, इसको काट दें, हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें इसी तरह से रहने देनी है। और नीचे आके आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। वो कह रहा है जी पासवर्ड को क्या करना, अपडेट कर दो जी। तो ये वर्ड प्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, कहाँ पे? वेब होस्ट के ऊपर। अच्छा, ये उसने इंस्टॉल कर दिया और अभी हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसको। एक एप्लीकेशन आ चुकी है यहाँ पे, देखे ऊपर माय एप्लीकेशंस वन, माय बैकअप्स नथिंग। एप्लीकेशन ब्राउजर पे दोबारा जा सकते हैं आप लोग, ठीक, यहाँ से जा सकते हैं कि इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशंस करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। 59 MB की फाइल्स है जो अभी उसने इंस्टॉल की है। ये डेट दे दी है उसने कि 16 June को हुई है और इंस्टॉल हो चुका है, जीरो बैकअप है, अपडेट नहीं है। जैसे इंस्टॉल हुआ है हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करवाते हैं। अब ये मेरी डोमेन है, आप लोग भी ओपन करके देखें इसको, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये कौन सा थीम है? सर ये डिफॉल्ट है उसका, 2021 है, पता है ना? तो आप लोग भी ओपन करवा के देखें, अपने पास इसको ओपन करके देखें, computerpreceptor.com। ओके सर। ओके सर, ये शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा हमने इसको करना है, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तीन उसने बना के दिए। ये आप लोगों ने दरमियान वाला जो लिंक है इसको राइट क्लिक करके ओपन विंडो इन न्यू यहाँ पे ओपन करवा लेना। प्रोसेसिंग हो रही है, चूज अ स्टार्टर टेम्पलेट। ये देखे डैशबोर्ड पे जाने के लिए वो कहता है कोई भी टेम्पलेट आप लोग सेलेक्ट कर लो। मैं यहां से फर्स्ट करें, चलें ये वाला कर लेते हैं, बेंटो, स्टार्ट विद दिस टेम्पलेट। ओके, फिनिश सेटअप, नीचे देखें फिनिश सेटअप, इंस्टॉल कर रहा है टेम्पलेट को। अब जरा ओपन करके देखें मेरे वाली वेबसाइट को ही, आप लोग अपडेट करके देखें। ओके सर, देखें ये शो हो रहा है थीम। क्यों जी? एक सेकंड सर, कर रही हूँ। जी जी, बाकी बच्चे भी करके देखें बेटे। जी सर, कर रहे हैं। जी सर, यही हो रहा है। हाँ जी सर, बैंड को मिला हुआ है।
ठीक हो गया, बेंटो वाला, ठीक है जी सर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखे जरा, ये computerpreceptor.com ही ओपन है, यहाँ से हम बेंटो से जाके डैशबोर्ड में चले जाना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड वही है जो कि हम लोग कर चुके हैं लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस का, समझ आ रही बात? हाँ जी सर। तो इधर से हम लोगों ने ये चीजें खत्म कर लेनी, स्क्रीन ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से इनको हटा लेते हैं, वही काम जो हम लोग वहां पे कर रहे हैं यहाँ पे करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, एक प्लग इन आके इंस्टॉल करना है। प्लग इन को इंस्टॉल करेंगे, प्लग इन का नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अपलोड प्लग इन। मैं अपलोड अब करने जा रहा हूँ क्योंकि वो वाला जो प्लग इन हमने वहां पे किया था वो 32 MB से ऊपर फाइल नहीं आने देता। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, चले WP all in one WP migration, चले नेट से हम लोग ले लेते हैं, इसको नहीं करते वो जो है। ये मैं दोनों प्लग इन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ जी, एलिमेंटर भी आज आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा और ये WP all in one WP, ठीक है, एलिमेंटर प्रो जो है। Yes, sir, thank you. एक्टिवेट करवा रहा हूँ ताकि आप लोग अपना वर्क कर सको। अच्छा, ये एक्टिवेट मैंने करवा दिया इसको। अब यहाँ पे देखिएगा ये आ गया। अब हमने पहले एक्सपोर्ट की थी फाइल, तो अब इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से? लोकल डिस्क से, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है जी सर। ये कौन सी है? ये वाली है हमारी, इसको ओपन करेंगे। वो कह रहा है जी योर फाइल एक्सीड द मैक्सिमम अपलोड साइज फॉर साइट 32 MB, तो गेट एंड अनलिमिटेड लेने के लिए हमें इसको परचेज करना पड़ता है। हमें परचेज करना पड़ता है, तो मैं अब क्या करूंगा, वापस जाता हूँ बल्कि प्लगइन्स पे जाता हूँ मैं जी, और ऑल इन वन को डीएक्टिवेट करवा के इसको मैं डिलीट भी करवा रहा हूँ, ऑल इन वन को डिलीट करवा रहा हूँ क्योंकि ये नया वर्जन था। इसी नए वर्जन से ही हम लोगों ने उसकी बैकअप बनाया, एक्सपोर्ट करवाई है फाइल। एक्सपोर्ट तो हो जाएगी, जितने भी MB की होगी या GB की होगी वो एक्सपोर्ट तो हो जाएगी, लेकिन इम्पोर्ट में पे प्रॉब्लम आती है। यानी दोनों तरफ सेम होना चाहिए प्लगइन। अब हम लोगों ने ऐड न्यू करवाना है और इसको अपलोड प्लगइन मैं करूंगा, ब्राउज करवा रहा हूँ। ये मेरे अपने कंप्यूटर पे मुझे ले गया, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है ये वाला ऑल इन वन WP माइग्रेशन 6.68, इसको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और इसको ओपन करवा लेंगे जी और इंस्टॉल नाउ करते हैं। हो चुका इंस्टॉल, एक्टिवेट प्लगइन, प्लगइन एक्टिवेट भी हो चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। कहाँ पे हम इस वक्त? वेब होस्ट के ऊपर। देखें मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है वेबसाइट का नाम, वहां पे हम लोगों ने इसको किया हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने करना है इंपोर्ट। इंपोर्ट कौन सी फाइल करनी है? फाइल हमारी पड़ी हुई है ये वाली, ओपन। तो ये इंपोर्ट करना शुरू हो गया। इसकी लिमिट है 512 MB, तो हम लोग इतनी बड़ी तो नहीं होती हमारी वेबसाइट कि वो 512 MB ही ले ले, ज्यादा ज्यादा 200-300 MB तक जाती है यानी वेबसाइट हमारी मैक्सिमम। तो सर इसकी न्यू वर्जन में इतनी कम लिमिट क्यों रखी है? नहीं, वो पिछले में भी कम थी, लेकिन उसमें उसकी चेंजेस हो जाती हैं, यानी उसकी जो फाइल है उसमें जाके चेंज करके वो थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, उससे उसकी जो लिमिट है एक्सीड कर जाती है। नए में उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिए, हालांकि सर देनी चाहिए थी क्योंकि अपडेट किया है उसे। वो कहते हैं परचेज करें। तो ये अब पूरा अपलोड हो रहा है, इंक्लूडिंग आवर प्लगइन्स एंड एवरीथिंग। बल्कि जो मैंने वहां पे डेटाबेस का नाम रखा था, हाँ वही यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा भी
नहीं वो वाला नाम नहीं आएगा डेटाबेस का, ये खुद से जनरेट करेगा, लेकिन जो यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे रखा था वो अब यहाँ पे खुलेगा उसी से वर्डप्रेस मेरा। जिस यूजर नेम और पासवर्ड से हमने सर वो बनाई थी, बनाई थी जिसे इंस्टॉल किया था। हाँ जी हाँ जी, लोकल के ऊपर। अच्छा ये देखें आप, ये तो हो गया ना कि लोकल से हमने ट्रांसफर की है, यानी लोकल पे हम लोग काम करते रहे आराम से बैठ के और ट्रांसफर की। लेकिन एक चीज आप देखें कि हमारे पास सारा कुछ यहाँ भी अवेलेबल है, यानी पूरा डोमेन के अंदर पूरा वर्डप्रेस है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो भी आपके पास प्लग इन है अगर कंप्यूटर पे पड़े उनको रख लें, अपलोड करवा लें। कोई थीम है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, बल्कि ये खुद बड़े जबरदस्त थीम देते हैं। यानी ये चूंकि हम लोग ये गोडैडी पे मैं हूँ, तो यहाँ से मुझे जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे आपको बड़े जबरदस्त थीम मिल रहे हैं। जैसे अभी मैंने एक इंस्टॉल किया, साथ ही आपको शो हो रहा था। जी सर। तो आप लोग सारी चेंजेस, पूरी वेबसाइट जो है आप अपने वेब होस्ट के ऊपर भी आके बना सकते हैं, साथ साथ उसको चेक करते जाएं। ठीक है। अच्छा जी, विल ओवरराइड योर वेबसाइट इंक्लूडिंग द डेटाबेस। ठीक है, प्रोसीड। वो कह रहा है जी पहले भी कोई पढ़ा हुआ तो उसको ओवरराइड कर रहा है, कर दो। Your data has been imported successfully. Close. अब चेक करें जरा वेबसाइट को, जो भी हम लोगों ने प्रो एलिमेंटर से बनाई है क्या वो आपके पास आ चुकी? ओके सर। उसको ओपन करता है, मैं यहाँ पे अलहदा ब्राउजर के ऊपर इसको ओपन करवा के देखता हूँ क्रोम के ऊपर। जी सर आ रही है वही। यानी जो हमने होटल वन की बनाई थी दीवान होटल, वो आप देखें कि ऑनलाइन हो चुकी है। जी सर। ठीक है, ये कुछ है जी, और तो कोई कहानी नहीं है। क्या ख्याल है? हाँ जी सर। आसान है काम? जी ऑलमोस्ट। अच्छा गैलरी में एक और ऑप्शन है, आप क्लिक करते हो तो इस तरह से भी ओपन होती है। ये देखें यहाँ पे पिक्चर्स इस तरह से भी शो करता है। ठीक है जी सर। हाँ जी, लेकिन सर यहाँ पे वो उसका जो एग्जैक्ट साइज है वही शो कर रहा है। हाँ जो जनरल साइज है वो कर रहा है। तो हमने ये चीजें अब देखें, जैसे वेबसाइट वेबसाइट जैसे ही यहाँ पे हुई है लोड, तो सबसे पहले ये सारी तस्वीरें हो गई थी, ये एंड पे हुई है। रीजन ये है कि इसका साइज बहुत बड़ा है। इन चीजों को भी सेटल करने के लिए हमारे पास प्लगइन है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ। उससे हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बढ़ती है, हम ऑप्टिमाइज कर लेते हैं पिक्चर्स को। यानी पिक्चर्स को ज्यादातर जो हमारा जो मीडिया फाइल्स होती हैं, ये ज्यादा इन्होंने डेटा जो हमारा लोड होते हुए ये टाइम लेती हैं, और ज्यादातर टेक्स्ट वगैरह तो फौरन लोड हो जाता है, तो पिक्चर्स या आपका जो भी मीडिया है, मीडिया फाइल है, वो थोड़ा टाइम लेती है। उसको ऑप्टिमाइज हम लोग कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो मीडिया फाइल होती है, पिक्चर वगैरह है या वीडियोस हैं, उनकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, लेकिन ये है कि उनकी स्पेस भी कम हो जाती है, तो वो बड़ी स्पीड से आप लोगों की वेबसाइट जो है वो ओपन होती है। ठीक है
जी सर ये मैंने 2 साल के लिए तो ली है डोमेन, वो तकरीबन मुझे मिली है 3100 में, और इसको मैंने फिर फॉर वन मंथ मैंने लिया है 1000 रुपीज वेब होस्टिंग। नहीं वेब होस्टिंग है प्रॉपर। मैंने एक वेब होस्टिंग मैंने पाकिस्तानी भी ली है, मैंने दोनों को कंपेयर करना था कि स्पीड का कहाँ पे ये महंगी है पर महंगी है, लेकिन इनकी फैसिलिटीज कमाल है। मैंने वो ये कंपेयर करने के लिए वो होना कि पूरी मैंने साल की ली है, वो 4500 की मुझे मिली है, 3500 में पूरे साल की मुझे मिली है। उसमें तीन मैं अपनी जो मेन्स है तीन वेबसाइट्स मैं वहां पे हैंडल कर सकता हूँ। और ये जो सर गोडाडी पे लिया ये 1 मंथ के लिए लिया? ये 1 मंथ के लिए मैंने लिया है, इसको एक्सपेरिमेंटल मैंने लिया था कि ये चिकन ये वाकई बेहतर है, इनका सर्वर वाकई ही बेहतर है। हाँ जी नहीं सब डोमेन साथ है हमें फ्री जितनी वो कहते हैं इसकी 10 है आप सब डोमेन में 10 बना। साथ वो बता देते हैं कुछ में वो बताते हैं अनलिमिटेड यानी आपको जितनी जरूरत है। तो अब तो ये काफी सस्ते हो गए हैं पैकेजेस, यानी अगर आप लोग मेरा ख्याल है कि 15 से 20 हजार रुपया खर्च कर लेते हैं ना तो आपको यानी तकरीबन समझ ले 25 हजार अगर खर्च कर लेते हैं आपको 3-4 साल के लिए सारा कुछ ही मिल जाता है 3 से 4 साल के लिए, यानी आपको डोमेन भी बेहतरीन अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है अनलिमिटेड आपको वेब होस्टिंग तो डोमेन भी साथ फ्री मिल जाती है। अच्छा अब होता क्या अगर हमने अपने क्लाइंट के लिए फर्ज करें बनानी है तो हम अकेले डोमेन परचेज कर लेते हैं वेब होस्टिंग यही नहीं की यूज करेंगे, जैसे एक एप्लीकेशन मैंने अभी की है इंस्टॉल तो मैं दूसरी कर लूंगा वहां पे मैं डोमेन दूसरी दूंगा और वेब होस्टिंग सेम यूज हो रही है, फॉलो कर रहे हो आप? हम लोग एक वेबसाइट के लिए एक वेबसाइट के लिए एक डोमेन हो गई है ना सर, होस्टिंग आप खुद की यूज करेंगे और डोमेन जो है वो क्लाइंट की यूज करेंगे? क्लाइंट की यूज कर लेंगे या क्लाइंट हमें कहता है तो हम उसको पैसे डाल देंगे उसके वेब होस्टिंग के, तो ये भी एक लिहाज से बचत। समझ आ रही है ना बात? तो हम अनलिमिटेड कहता है जी वेबसाइट्स आप होस्ट करवा सकते हैं यहाँ पे। सर ये वर्डप्रेस हम मजीद कितने डेज करेंगे क्योंकि अब डेज तो कम रह गए हैं? डेज वाकई कम रह गए हैं, कल मैंने यही काम करवाना था लेकिन मैं फंसा रहा और चले आज दो हम लोगों ने फिर इकट्ठे कर लिए। मैंने एलिमेंटर प्रो भी आप लोगों को करवाना था और ये चीजें दिखानी थी कि ठीक है, और साथ उन्हें अपलोड करना भी सीख लिया कि लोकल होस्ट से हमने क्लाइंट को। अच्छा क्लाइंट का तो मैं खुद ही कर लूंगा जी इसको अपलोड, आप मुझे सिर्फ वो दे दें फाइल, जस्ट फाइल बना के दे देंगे, फाइल उसको बैकअप फाइल बना के वो हम उसको दे देंगे। हाँ जी तमाम पॉसिबिलिटीज लेकिन मतलब वो सूरत में ही है ना कि उसको पता है कि खुद ही चलो मैं ये कर लूंगा काम तो कर सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज हम खुद ही करके देंगे। अच्छा ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना कि हमारा क्लाइंट कैसा है। अच्छा आप लोगों ने एक काम करना है, एक वैसे तो कई वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में दे रही हैं आप लोगों को होस्टिंग देती हैं, बिल्कुल माइनर सी स्पेस देती हैं, वो थोड़ी सी स्पेस होती है, आप लोगों ने ये करना है यानी तकरीबन 50 MB तक कुछ देती हैं कुछ 40 MB तक देंगी स्पेस तो फ्री में इतनी ही मिलती है, तो ये तो जीबीज में है ना मेरे पास बेशमार स्पेस उन्होंने दी है। आप लोगों ने एक काम करना है, एक वेबसाइट है 000 वेब होस्ट, 000 वेब होस्ट। अच्छा ये आप लोगों को फ्री में सर्विस देते हैं, आपने ये देख लें इसको ओपन करेंगे
आपको बेसिकली लॉगिन बनाना पड़ेगा, ये भी वेब होस्टिंग का ही काम करते हैं। वो कहता है फ्री वेब होस्ट आप ले सकते हैं, कुछ ये देखें कि पैकेज भी इनके चल रहे हैं, होस्टिंगर का पे ये चला रहे हैं, तो ये इतने डेज इतने रेडी टू गो यहाँ पे कुछ वो दे रहा है, या गो प्रीमियम भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये आपको देते हैं जी। वो कहता है जी सेल लगी हुई है, चेक कर लेते हैं जी इसको, इसको मैंने वैसे कल नहीं चेक किया था। ये देख रहे हैं आप लोग सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, एक वेबसाइट 30 GB डिस्क स्पेस है, और ये है जी $1.39 जो है उनके सेंट है पर मंथ है ये, तो फ्री में आपको 300 MB मिल रही है, ये ठीक है ओके। एक वेबसाइट आप कर सकते हैं, 300 MB मिलेगी, और लिमिटेड बैंडविड्थ है 3 GB की, कोई ईमेल नहीं मिलेगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको सब डोमेन बना के देंगे वो फ्री वेब होस्टिंग में, यहाँ पे तो आप लोग अपनी डोमेन यूज कर सकते हैं। अच्छा, फ्री डोमेन ये नहीं दे रहे इसमें, इस पैकेज में, इस पैकेज में फ्री डोमेन है, यानी तकरीबन $2.6 ही है। तो अगर हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये बताएगा, बाद में जाके बताते हैं, ये 3 साल के लिए रेट है, 3 या 4 साल के लिए आप लोग परचेस करते हैं तो फिर है ये रेट, अदरवाइज 1 ईयर के लिए करते हैं, 1 मंथ के लिए करते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अभी ये ओपन हो रही है, ये होस्टिंगर पे ले गया, ये देखिए 48 मंथ्स के लिए है 2.5 का, अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो $4 है तकरीबन, 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो $6 पर मंथ है, यानी आपके देखें कितने ये बन जाते हैं, समझ आ रही है ना, और 1 मंथ के लिए लेते हैं तो $10.29 है, यानी आपको कम से कम 4 साल का जो पैकेज है वो सस्ता पड़ता है। ये भी $124 लगेंगे, 125 तकरीबन, इसमें आपको डोमेन फ्री मिल जाएगी, लेकिन 4 साल के लिए आप लोग जो है वो आसानी हो जाती है। इसमें ये SSL नहीं दे रहा है, SSL परचेस करना पड़ता है। यही तो मसला है, यही मैंने कहा ना, वो डैडी जो है वो बेहतरीन है इस लिहाज से, पैसे लेते हैं वो, उनकी जो वेब होस्टिंग है वो 1200 समथिंग में पर मंथ का वो देते हैं वेब होस्टिंग का, वैसे पैकेज जो है। तो चूंकि मैंने उनसे वो पहले डोमेन परचेज कर ली थी, उन्होंने मुझे एक प्रोमो कोड दिया, उससे थोड़ा सा सस्ता वो फिर पड़ा मुझे, तो इस तरह से, यानी एक प्रोडक्ट आप लोग ले लेते हैं तो अगली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको थोड़ी सस्ती का देते हैं, इस टाइप का काम होता है, ठीक है। वो काफी कल करना पड़ा, यानी सर्च करता रहा, चीजें देखता रहा, और 3 दफा मुझे जो है वो पहले उन्होंने 2 दफा तो रिटर्न की, पाकिस्तानी जो वेब होस्टिंग थी वो पैसे ले रहे थे, वो कहते थे 3500 है, इसमें फ्री डोमेन भी देंगे, डोमेन जब मैं देता था तो वो डोमेन वहां पे रजिस्टर ही नहीं होती थी, वो कहें जी रिटर्न ले रहे, रिफंड कर देते हैं, तो ये नहीं हो रही। खैर, इस पे दोबारा से आते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, फ्री साइन अप करना है इसके ऊपर, ये फ्री वाली जो है इनकी 000 वेब होस्ट, यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड रखेंगे 8 करेक्टर्स का, ईमेल एड्रेस देंगे और इसको साइन अप कर लेना है, ये आपका होगा 000 वेब होस्ट के ऊपर। बल्कि आप कोई बता दो मुझे अपना ईमेल एड्रेस बताओ, अभी जो वर्किंग करना चाह रहा है। सर सईदा राबिया, देखें स्पेलिंग सही लिखे जी सर, ठीक है, 079@gmail.com 079@gmail.com। अच्छा, पासवर्ड बेटे, या तो आप ऐसा करो, इसको चेंज बाद में क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सएप करो पासवर्ड, अपनी जीमेल का नहीं करना,
यहाँ पे जो रखना है, समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके सर, मैं करती हूँ। ये सभी देख लें कि किस तरह से आप लोगों ने करना है। इस पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता चल जाएगा ये जो मैंने अपने जो किया है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो होस्टिंगर के ऊपर कैसे होगा ये 000 वेब होस्ट जो है ये बेसिकली होस्टिंगर के ऊपर लेके जाता है। कर दिया सर। ओके इसको साइन अप करने जा रहा हूं मैं। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन नंबर एंड वन अपर केस। तो मैं जो आपने बेटे दिया है ना, मैं उसको जो टेक्स्ट लिखा है वो जे मैं कैपिटल कर रहा हूं, ठीक है? ओके सर। ओके डन। अब आपको एक ईमेल आएगी। ओके सर, लेट मी चेक। कंफर्मेशन की आएगी ईमेल, आपने कंफर्म करना है तो यहां पे शुरू होना काम। जी सर, आ गई है। कंफर्म करें उधर से, एक सेकंड। बच्चे भाग तो नहीं गए? चले, ऐसा ऐसा काम हो रहा है। कर दिया सर। ओके अच्छा, उधर से हो गया है तो यहां मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा इसको। वेब होस्ट और साइन सर, इधर ईमेल वेरिफाइड का आ रहा है, ठीक है? ये देखे, अब हे देयर आपका आ गया यहाँ पे। लेट्स क्रिएट सम मैजिक, ठीक? जी सर। तो वो कहता है इट्स नॉट माय फर्स्ट, वो कहता है रोडियो, टेक मी टू पैनल, मुझे पैनल पे ले जाओ। तो मैजिक की तरफ नहीं हम जाते, मैजिक में क्या होगा, उसने कोई टेम्पलेट वगैरह रखे होंगे, हम पैनल पे जाते हैं। वो कहता जी नीचे था पैनल का तो मैंने ये दे दिया, नेम योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे वही जो प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, वेबसाइट का नेम ऑप्शनल है, और पासवर्ड उसने दे दिया है कि उसका पासवर्ड रखे, और ऑटो जनरेटेड दे रहा है शो पासवर्ड वगैरह, जैसे ये दे रहा है। तो हम वेबसाइट का नाम फर्ज करें रख देते हैं, वही रख लेते हैं, एलिमेंटर मैंने नाम रख दिया, ठीक? ओके एलिमेंट। और यहां पे पासवर्ड जो है वो पासवर्ड मैं वही रख रहा हूं। ओके सर, शो नहीं करो।
वो कहता है another website with this name already exists. चलो सर आप home decor कर लें जो मैंने बनाई भी थी. चले ऐसे ठीक है ठीक है. home decor ये भी होगी वैसे, इसको 117 कर देते हैं. ठीक है इसको याद रखना आपने. ठीक है ये प्रोजेक्ट का अपना नेम. ओके सर. प्रोजेक्ट कौन सा हम लेके जा रहे हैं उसके ऊपर. पासवर्ड वही है सेम. ओके ये आ चुका है. तीन चीजें दे रहा है. अपलोड योर साइट यानी आपके पास वेबसाइट है अपलोड कर दें. दूसरा वो दे रहा है जी इंस्टॉल वर्डप्रेस. तीसरा है यूज आवर वेबसाइट बिल्डर यानी इनका अपना वेबसाइट बिल्डर भी है. अच्छा हर जो वेब होस्ट है वो उसने अपने ही वेबसाइट बिल्डर भी दिए हुए हैं और बड़े आसान है. यानी आप आम आपने स्टैटिक जो बनानी है वेबसाइट इसको भी चेक कीजिएगा. मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ यूज आवर वेबसाइट बिल्डर इसको चेक कीजिएगा. लेकिन फिलहाल टाइम कम है हम इंस्टॉल वर्ड प्रेस करने जा रहे हैं. वर्ड प्रेस का वो कह रहा जी ऐसे करो कि यूजर नेम और पासवर्ड दो. तो एडमिन दे रहा है यहाँ पे. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे. दोबारा वहां पे ले गया. एडमिन दे रहा है और ये कोई पासवर्ड उसने ऑटो जनरेट दिया है और ये आपका बनेगा होम डिकोर 11. ठीक है ये ऑनलाइन हो जाएगी आपकी वेबसाइट 000 वेब होस्ट ऐप .com ये है आपका एड्रेस. ठीक है लेकिन अभी यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा इसको एडमिन के बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूँ आभ्या और पासवर्ड यहाँ पे मैं वो ही यूज कर लेता हूँ अगेन. ओके सर. यू कैन ओनली यूज नंबर लैटिन लेटर्स एंड हाइफंस. सर जस्ट नंबर्स यूज कर ले. सर वही पासवर्ड यूज किया है? नहीं ये देख लें जरा यहाँ से देख लें. ओके मैंने चेंज किया एक. ठीक है ठीक है ये हाइफन और ये देख लिया नोट कर. हाँ जी सर एक सेकेंड रुकिए. ओके सर डन. इसको मैं फिलहाल अपने पास सेव करवा लेता हूँ. लेकिन उसमें उनके भी ज़ारी बात है कि मशहूरी हो रही है 000 वेब होस्ट की भी. लेकिन ये जो कास्ट दे रहे हैं. ओके जी ये हो चुका है. कंग्रेचुलेशंस इट्स रेडी. गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज. यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यूजर ने पासवर्ड पूछ रहा है हमसे.
बीच में, ठीक है। ओके सर, लॉग इन। तो वर्डप्रेस इज रेडी, ये देखें वही चीज आ चुकी है। और ये आपके एड्रेस पे होम डेकोर 11.000 वेब होस्ट ऐप .com WP एडमिन, आपने इसी से ओपन करना है। अब मैं आप लोगों को वो प्लगइन भेजने जा रहा हूँ, अभी आपने इंस्टॉल करके ना वो वाला प्लगइन ऑल इन वन वाला, तो आपने इसको कॉपी करना है सारा, सॉरी करना उसका एक्सपोर्ट करनी है फाइल, फिर यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी। यहाँ भी मैं प्लगइन इंस्टॉल कर देता हूँ, वैसे आपको करके दे देता हूँ, पहले आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी यहाँ पे। हाँ जी सर। छोटा सा ऐप लगे 275 KB का, ये आप लोगों को मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। और इधर भी मैं इंस्टॉल करवा देता हूँ, वैसे अभी आपकी साइट मैं ओपन करवा के देखता हूँ कि क्या शो हो रहा है। ये ब्लॉग शो हो गया है, होम डेकोर 11, ये ऑनलाइन है आप इस वक्त, ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब करना यह है बेटा अपने लॉगिन्स और एड न्यू अपलोड, अपलोड प्लगइन आप बैक वो बनाए, एक्सपोर्ट करें अपना प्रोजेक्ट। ओके सर, मैं कंप्लीट करके फिर करती हूँ। हाँ, फिर उसके बाद आपने ये पूरा एड्रेस ओपन करना है WP एडमिन तक, यानी होम डेकोर 11.000 वेब होस्ट .com /WP-admin। हमने लोकल होस्ट भी बनाया था अभी आपने जो किया, तो उसकी फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया, तो वैसे ही मैं भी एज इट इज कर दूं ना? हाँ, वो एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, वहां पे पहले प्लगइन इंस्टॉल करो ना जो अभी मैंने सेंड किया है। सर, मैंने अपना लोकल होस्ट पे कर लिया है वो। हाँ, उसको एक्सपोर्ट कर लो फाइल को, फिर उसका बैकअप भी ले लो। ओके सर, बैकअप भी बनाना है। बेटा थोड़ा सा टाइम बस दे दो, ये आप देख लो एक दफा, अगर आपको समझ आ गई या देन ठीक है, आप नमाज पढ़ लो फिर, ठीक। चूज फाइल दे रहा है जी, नीचे जिप फाइल मैं यहां से उठाता हूँ, डाउनलोड्स, और ये पड़ी है फाइल, ओपन इंस्टॉल नाउ। द लिंक यू फॉलोड हैज एक्सपायर्ड, वो रिप्लेस का पूछ रहा था, इट मींस के उसने पहले भी किया हुआ था, तो ये हो चुका है इंस्टॉल। अब ये देखे आपने ये वाला लिंक ओपन करके ना बेटे, तो पता चल गया ना? हाँ जी सर। अब आपने अगर वहां पे बैकअप ले लिया, फाइल बन चुकी है आपके पास बैकअप फाइल, तो अब आपने इंपोर्ट करवाना है ये वाला ओपन करके। ओके सर। मैं आपको बल्कि इसका ना लिंक सेंड कर देता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट। हाँ जी ठीक, व्हाट्सएप कर।
जी सर ओके पासवर्ड वगैरह सारे आप चेंज कर सकती हैं बाद में ठीक है ठीक है सर वो सेटिंग्स में से होंगे जी अच्छा देखो हमने तीन तरह के पासवर्ड दिए पता है ना आपको हाँ जी हाँ जी एक हमने ट्रिपल जीरो वेब होस्ट पे बनाया जी वो भी मेन चेंज कर ले यानी आपका कंट्रोल पैनल में जो जाने का है वो चेंज कर ले बस बाकी अगले की जरूरत ठीक है तो वो कहाँ से होगा सर वो वहां पे जाके ट्रिपल जीरो वेब होस्ट को ओपन करेंगे ठीक है सिर्फ वेबसाइट को ठीक है सर मैं देखती हूँ अभी ये वाला ओपन करके ना वर्डप्रेस का आपने देना है हाँ जी सर मैं करती हूँ हाँ इसको ओपन करके देखें वर्डप्रेस ओपन हो रहा है आपके ठीक है क्योंकि इंस्टॉल तो कर दिया ना मैंने और प्लगइन भी इंस्टॉल कर दिया एक ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ही बनता है जी ये अकाउंट ये बाद में रखिएगा एक दफा आप रजिस्टर्ड कर देते हैं ईमेल तो उनके पास चली जाती है वो फिर एक वेब होस्टिंग आप बना सकते हैं और ये सब डोमेन में बनती है ये सब डोमेन बनी है होम डेकोर 11 डॉट आगे फिर ये ट्रिपल जीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम सभी को समझ आ रही है जी सर ठीक है सभी ने आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इस चीज ओके सर सर वो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है तो वो हाइफ़न वाला पासवर्ड एंटर करना है ना यहाँ पे बिल्कुल हाइफ़न वाला हाँ जी ऊपर आ गया देना है आपने यूज़र जी सर लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगी फाइल तो आपने जो लोकल पे यूज़र ने पासवर्ड रखा होगा वो जाएगा फिर वो भी साथ ही कॉपी होना है ओके सर प्रेस के लिए यानी ये जो हमने बनाया था ये चेंज हो जाएगा क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट ही हम लोग ओवरराइट वो पूछेगा ओवरराइट करते हैं उसको कहना यस ठीक है सर अभी तो ये ब्लॉग आपका ओपन हो रहा है सर पासवर्ड नहीं सही लग रहा मैं अगेन चेक करती हूँ जे कैपिटल था ना सर जे कैपिटल मैंने सर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसका हाँ अबे 20 हाँ जी डैश नहीं है हाइफ़न नॉट डैश हाइफ़न है हाँ जी हाँ जी ठीक हो गया मैं डैश डाल रही थी सर हो गया बेटे लॉगिन हाँ जी हो गया सर प्लगइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया आपको जी सर प्लगइन इंस्टॉल है अब मैं खुद की वो एक्सपोर्ट करके देखती हूँ ना हाँ जी
सही कितने एम बीस तक देगा मुझे फ्री? ये 512 तक, लेकिन वेबसाइट आपको 300 एमबी दे रहा है। आपकी कितनी है वेबसाइट? अभी सर की नहीं है, मैं करके बताती हूँ। एक्सपोर्ट नहीं हुई फाइल अभी? नो सर, मैं वो वेब सर्विसेज अभी स्टार्ट की है ना, तो इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक, हाँ जी। सर हो रहा है एक्सपोर्ट, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है बेटा। हाँ जी अता, क्या हाल है? अता सर शायद चले गए वो। अस्सलाम वालेकुम सर। अता कैसे हो? सर अल्लाह ताला का शुक्र है सर, दुआएं आपको। जी सर, आपके पास है ना ये प्रो वर्जन? सर मेरे पास था लेकिन वो मसला बन गया था, आज दोबारा तो सेंड कर दें ग्रुप के अंदर, मैंने बताया था वो काम नहीं कर रहा था। मैं रीसेंड कर देता हूँ आप लोगों को, तो ये समझ लें गिफ्ट है सबके लिए। वैसे $100 का है, आप लोगों ने देखा है इसकी प्राइस जो है $100 है। थैंक यू सर जी। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन काम करना है बेटे, बात तो ये है, नहीं आप लोग अपना कोई फायदा भी करें। हाँ जी बेटे, कैसे कर रही थी? अच्छा फिर सर एक्सपोर्ट तो हो गया लेकिन अब इशू आ रहा है, रिपोर्ट इशू। क्या कह रहे हैं वो? ये कह
रिपोर्ट इशू का ऑप्शन आ रहा है, मैं दोबारा ट्राई करूं? नहीं, एक्सपोर्ट हो गई है फाइल, बैकअप लो उसका। नो सर, वो बैकअप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं, बैकअप का वहां पे नहीं ऑप्शन आएगा, बैकअप आपने लेना है, ये देखे इसी में ऑल इन वन WMP WP माइग्रेशन बैकअप। आप सर ऊपर करें, एक्सपोर्ट जहां से आपने किया था। मैं एक्सपोर्ट किया है ना, तो वो ऊपर इशू आ रहा है, मैं देखती हूँ अगर बैकअप में शो हो रहा है तो। लोकल होस्ट पे कर रही हूँ। दोनों तरफ हमें ये प्लगइन की जरूरत है, वेब होस्ट पे भी लोकल होस्ट पे भी। लोकल होस्ट से हम लोगों ने उसको बैकअप लेना है, एक्सपोर्ट करना है, फिर बैकअप लेना है, उसी को हम लोगों ने इम्पोर्ट करवाना है वेब होस्ट पे। मैं बैकअप तो ले रही हूँ, पता नहीं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा। बैकअप लेने के बाद वो डायरेक्ट डाउनलोड में चला जाएगा? हाँ, वो डाउनलोड में आपने ऊपर क्लिक करना है, जैसे बैकअप कंप्लीट हो जाए ना, ऊपर डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे क्लिक करना है। सर, क्रिएट बैकअप पे करना है ना? जी जी बिल्कुल, वहीं पे कर रही हूँ। ऊपर फाइल शो हो रही है? हाँ जी हो रही है। हाँ, लेकिन सर फाइल का साइज 149 है। MB? जी सर, कोई मसला नहीं। तो अब क्रिएट पे करूं? जी, क्रिएट बैकअप। एक सेकंड, आई थिंक बैकअप हो आ रहा है। ओके, ये 2MB का है, एलिमेंटर प्रो zip फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है, इसको भी डाउनलोड कर लें। सर हो रहा है इंपोर्ट। ठीक है बेटे, कौन से ग्रुप में? सर कौन से? आवाज कट रही यार आपकी। सर पूछ रहे हैं कि आपने किस ग्रुप में वो सेंड किया? मैंने ये जिसमें आप लोगों को लिंक आता है उसी में। नहीं सर, आपने मुझे कर दिया है इनबॉक्स में। अच्छा, आपको सेंड कर दिया जिसमें? हाँ जी हाँ जी। All in one भी आपको ही? नहीं, ये तो ग्रुप पे किया है, वो दूसरा प्रो वाला मुझे। ठीक है, मैं करता हूँ। सही है, इंपोर्ट में तो टाइम ले रहा है अभी थोड़े परसेंट।
ये दोनों आ गए हैं जी प्लगइन्स। सब ये करना है आपने, अपडेट नहीं करना एलिमेंटर को, अपडेट नहीं करवाना बाद में प्रो को खास तौर पे। बाकी वो चलता रहेगा। उसे बात वर्ल्ड प्लस अंदर साथ ही से अतः आपकी बात बहुत कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं है। सर ये इंपोर्ट होने में काफी टाइम ले रहा है। जारी बात है इंपोर्ट में सारे कॉन्फ़िगर कर रहा है ना हर चीज को। हाँ जी हाँ जी, साथ वो अपलोडिंग हो रही है तो आपको पता लोकल होस्ट पे और बात होती है, आप अपलोडिंग कर रहा है जी। तो अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, अपलोडिंग स्पीड हमारी कम होती है आमतौर। हाँ जी वो खत्म हो जाता है, आपने अपग्रेड करना ही नहीं है उसको। सर वर्डप्रेस के अंदर आती है या वर्डप्रेस में बनाया था ना हमने, इसके डैशबोर्ड के अंदर ऊपर ऑप्शन आ जाती है अपग्रेड करने के लिए, तो नहीं क्लिक करना ना यार, वही तो मैं कह रहा हूँ आपने नहीं क्लिक करना उसको। जी सर, क्लिक करेंगे तो वो अपडेट करेगा। मैंने इवन आप लोगों को जो मेरी अपनी वेबसाइट थी उसी में मैंने आपको बताया कि ये देखें कि कॉन्फ़िगर हो रहा है कि प्लगइन ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो, सेटिंग थी है ना उसमें सेट हुआ हुआ था, मैंने कहा था इसको छेड़े ही ना। हाँ जी सर था। जी सर मैंने तो रात 1 बजे तक उसको पढ़ा है सारा, जो ऑप्शंस और हर चीज उसको कंट्रोल पैनल उसकी एप्लीकेशंस हर चीज को मैंने खंगाला है। जी राबिया हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, कितना रह गया? अभी 18% हुआ है सर। अच्छा चले अभी तो टाइम लगेगा। हाँ जी हाँ जी। सर आपने वो इन्फिनिटी वाला जो था सर, सॉरी बता सर, वो मैं वो इन्फिनिटी आपकी आवाज बहुत कटी है, मुझे नहीं समझ आ रही। आप ऐसे करो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो।
अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखानी है मैंने, और उसके बाद हम लोग फाइबर वगैरह को देखेंगे, आप वर्क वगैरह को देख लेंगे कैसे उस पर अकाउंट बनाना क्या चीज़ें, और उसके बाद पीएचपी का मैं आप लोगों को करवा दूंगा, उसमें लिंक क्रिएट करना और सारा कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करवा दूंगा, आसान है वो भी। सर लिंक क्रिएट करने का अभी थोड़ा सा बता सकते हैं? वो हमारी एक्चुअली यूनिक की असाइनमेंट इसी के अबाउट है। डेटाबेस का लिंक? हाँ जी सर, मतलब हम फॉर्म ही क्रिएट करते हैं तो उसको डेटाबेस क्रिएट करने के बाद फॉर्म को डेटाबेस के साथ कैसे लिंक अप करते हैं? वही बेटा मैं कह रहा हूँ ना, अभी थोड़ा वेट कर, इन्हीं दिनों में हम लोगों ने कर लेना है। हाँ जी ओके सर। सर उसकी कोडिंग लिंक अप करने के लिए पीएचपी में होगी ना? जी पीएचपी में सर। हाँ अच्छा, अगर सभी सुन रहे हैं तो ये जो एलिमेंटर प्रो है, जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करते ही आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना पहले ही, ताकि ये अपनी जगह बना दे, बाद में बाकी करते रहें, कोई मसला नहीं है। ओके सर। सर देखेंगे, मैं अब ये उधर करवा रही हूँ अपलोड, तो अगर मैंने ये इसको रिमूव करके कोई और न्यू करवाना है तो वो कैसे करवाऊंगी? किसको? अपनी ये जो मैं अभी होम डेकोर की वेबसाइट बनाई है, तो मैं इसको उधर अपलोड करवा रही हूँ। तो अगर मैंने इसको डिलीट करके अपनी न्यू वेबसाइट अपलोड करवानी हो तो इसको डिलीट कैसे करूंगी? जो लोकल वाली है? हाँ जी हाँ जी। जो लोकल हो उस पे? नहीं, वहां पे तो आप नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर लें। नहीं नहीं, लोकल होस्ट की बात ही कर रही सर, ये जो हमने डाटा क्रिएट किया ना लोकल, ये ऑनलाइन जो कर रहे हैं उसके बात कर रही हूं। अच्छा ठीक है, ये आपने आपको दो मैंने बताया कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो 000 वेब होस्ट पे जाएंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे।
साइन इन करना है, यानी आपको होस्टिंग पे जाना पड़ेगा, जैसे मैं गोडैडी पे गया था, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईमेल आई है एक्टिवेशन के लिए, तो वहां पे अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है तो आप उसको रीसेट भी करवा सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है पूरी एक्सपोर्ट नहीं हुई आपकी फाइल। जी सर, अभी नहीं हुई, अभी 80% हुई है। ये देखिए लॉगिन करके आप इसी तरह से, यानी लॉगिन सर्च कर लिया .com और यहाँ पे कंट्रोल पैनल लॉगिन का वो दे रहा है, तो इसी के ऊपर ही आप क्लिक कर लेंगे। अच्छा, ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड लॉगिन। सर, वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ डिस्क स्पेस है तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकता। अब नहीं, 300 MB तो उन्होंने दिया खुद, पता नहीं अब ये देखें यही आ रहे हैं मेरे। अच्छा, एक काम करें, आपने ऐसे करना है कि जो लोकल होस्ट पे जितने प्लगइन्स हैं उनको डिलीट कर दो, और वहां पे देखो कोई थीम्स एक्स्ट्रा तो नहीं पड़े हुए, थीम्स को भी डिलीट कर दो। उसके बाद उसका बैकअप लेना है, बैकअप लेके फिर यानी वो एक्सपोर्ट करवानी और बैकअप ले लेना, वो काफी छोटी हो जाएगी फाइल,
यहाँ पे फिर उसको एक्सपोर्ट करवा के इधर आके दोबारा से वो वाले जो प्लगइन है ना उनको इंस्टॉल कर लेना, लेकिन ये ऑल इन वन रखना है। ओके और सर यहाँ से करूंगी कि इसमें जो मैं अभी कर रही थी ना एक्सपोर्ट, इसमें मैंने 3 से 4 पेजेस बनाए हुए थे, तो कोई एक पेज अच्छा सा बना के वो इधर कर दूंगी इंपोर्ट। हां चलें इस तरह से कर लें या आप डायरेक्ट ही कर सकती हैं, अच्छा सा पेज उधर बना के क्यों करना है, यानी चले ठीक है प्रैक्टिस है, यानी लोकल टू किस साथ उस पे जाना है वो तो पता चल जाएगा। ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, साथ ये है कि आप ये भी है कि उसका तो पता चल गया है अगर मैं इधर ही बनाऊं। हाँ ठीक है आप इसको करें इंपोर्ट करके देखें। ठीक है ठीक है बाकी भी सभी थोड़ी ट्राई करें जी सर। ओके अब ये हम रात को ट्राई कर लें, अभी नमाज का टाइम जा रहा है, टाइम गुजर रहा है। हाँ जी चलो ठीक है बेटा, कल होते हैं इंशाल्लाह मुलाकात। हाँ जी सर अल्लाह।